स्केलर प्रोडक्ट को समझने के लिए हम वर्क की एग्जांपल लेते हैं. वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट. तो जैसे यहाँ वेक्टर ए और बी को हमने स्केलर प्रोडक्ट में डिस्कस किया था, वैसे ही वर्क जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, जबकि फोर्स जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है. स्केलर प्रोडक्ट बेसिकली है क्या? ये है किसी भी वेक्टर का उस दूसरे वेक्टर के साथ ऐसा प्रोडक्ट कि जिसमें एक वेक्टर मुकम्मल यूज़ होगा और दूसरे का उसके अलोंग जो प्रोजेक्शन या कंपोनेंट है वो यूज़ होगा. मसलन ये वेक्टर डी है, तो हम डी को डी की मैग्नीट्यूड जो है वो डी ही है विदाउट वेक्टर साइन, जबकि वेक्टर एफ की मैग्नीट्यूड जो है वो एफ है और इनके दरमियान एंगल थीटा है. अब अगर मैं एफ के जो है कंपोनेंट्स बनाऊँ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, ये एफ साइन थीटा, थीटा के सामने वाला कंपोनेंट साइन वाला होता है और ये एफ कोस थीटा. तो डॉट प्रोडक्ट बेसिकली दो पैरेलल कंपोनेंट्स के दरमियान प्रोडक्ट होता है. तो यहाँ पे जो दो पैरेलल कंपोनेंट्स बन रहे हैं वो एफ कोस थीटा और डी हैं. एफ साइन थीटा तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाता है, इसलिए हम ये कहेंगे कि यहाँ पे इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट द डॉट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ एफ डॉट डी, तो एक तो मैग्नीट्यूड आ जाएगी डी की और दूसरा डी के लॉन्ग कंपोनेंट है एफ का. एफ का डी के लॉन्ग जो कंपोनेंट है वो है एफ कोस थीटा और डी की अपनी जो मैग्नीट्यूड है वो है डी. तो इस तरह आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा एफ डी कोस थीटा. वर्क की एग्जांपल की क्लियरेंस हो गई, तो हम अब दोबारा से डॉट प्रोडक्ट को एक नए अंदाज में डिस्कस कर लेते हैं. तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट ये है कि अगर आप वेक्टर ए को मल्टीप्लाई करते हैं बी से, तो इनमें से ए किसी एक की मैग्नीट्यूड यूज़ कर लें और दूसरे का पहले के अलोंग जो कंपोनेंट या प्रोजेक्शन या साया है वो यूज़ कर लें. तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मल्टीप्लाई बाय कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए. तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ गई ए और बी का कंपोनेंट जो ए के अलोंग है वो यहाँ पे देखें, बी का वो कंपोनेंट जो ए के अलोंग है वो है बी कोस थीटा, जबकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट है बी साइन थीटा. तो कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए वो आ जाएगा बी कोस थीटा. इस तरह डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला हमारे पास बन गया ए बी कोस थीटा. तो स्टूडेंट्स, स्केलर प्रोडक्ट के मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने कर लिया, थोड़ा सा डिस्कस हमने कर लिया. अब हम स्केलर प्रोडक्ट के करेक्टरिस्टिक्स स्टडी करते हैं. वर्क की एग्जांपल को स्केलर प्रोडक्ट में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है, तो कंप्लीट वर्क को हम वर्क के टॉपिक में ही स्टडी करेंगे. तो अब हम करते हैं कि क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं. स्केलर प्रोडक्ट के करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो पहला करैक्टर जो है वो है कमोटेटिव लॉ. कमोटेटिव लॉ में डॉट प्रोडक्ट में कमोटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है. मतलब ए डॉट बी कर लें या बी डॉट ए कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो आंसर आएगा वो सेम आएगा. तो इसको हम प्रूव करते हैं, इसको हम देखते हैं कि ये किस तरह से मुमकिन है. लेफ्ट हैंड साइड ए डॉट बी है, इसको ओपन करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मल्टीप्लाई बाय प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, बी का प्रोजेक्शन ए के अलोंग. डायग्राम भी बना लेते हैं. ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है
तो b का ये प्रोजेक्शन a के लोंग आ रहा है a इतना इतना, जिसे हम x कंपोनेंट भी कहते हैं, और इसकी वैल्यू होगी b cos थीटा। a की मैग्नीट्यूड प्रोजेक्शन ऑफ b अलोंग a, तो इस तरह आपका आंसर आ जाएगा a प्रोजेक्शन ऑफ b अलोंग a b cos थीटा, तो ये बन गया a b cos थीटा। a इज स्केलर बिकॉज इट इज मैग्नीट्यूड, b इज आल्सो स्केलर बिकॉज इट इज आल्सो मैग्नीट्यूड, cos थीटा इज ऑन एनी वैल्यू ऑफ cos एट एनी एंगल थीटा, तो इसलिए ये तीनों स्केलर हैं। स्केलर में आपको पता है आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ए बी cos थीटा को हम क्या लिख लें, बी ए cos थीटा। b क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ b मल्टीप्लाई बाय a cos थीटा इज दी प्रोजेक्शन ऑफ a अलोंग b बन जाएगा, जैसे ये डॉट प्रोडक्ट में आपने देखा था कि b cos थीटा प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन अलोंग a था, तो a cos थीटा प्रोजेक्शन ऑफ a अलोंग b आ जाएगा इस तरफ, तो ये बन जाएगा हमारे पास b a cos थीटा, या जिसे आप b डॉट a कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब है हमने प्रूव कर दिया कि कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है स्केलर प्रोडक्ट में, a डॉट b का आंसर और b डॉट a का आंसर सेम आएगा। अगर आप ये डायग्राम, ये प्रोजेक्शन ऑफ b अलोंग a बनाना चाहें यहीं पे, तो वो ये होगी, ये a है, ये हमारे पास ए b था, तो ये आ जाएगा a cos थीटा b के अलोंग। ये सेकंड करेक्टर, कम्यूटेटिव लॉ के बाद